वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 10 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। विद अवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। देखिए, आजकल की जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल है, उस वजह से हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो काफी हद तक जिम्मेदार है। द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे खाने की डिमांड भी बढ़ रही है। अब उस खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। इस केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। मतलब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। देखिए, अब हमें पता चल चुका है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमारे ऊपर एक लार्ज प्रेशर है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी केमिकल को यूज नहीं किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है बायो फर्टिलाइजर्स। चलिए अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म That enrich the nutrient quality of the soil. तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बायो फर्टिलाइजर्स के जो मेन सोर्स हैं वो है बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। देखिए, यहाँ पे लेग्युमिनस प्लांट की बात आई है। लेग्युमिनस प्लांट्स के अंदर आते हैं दालें। जितने भी दाल वाले प्लांट्स होते हैं वो लेग्युमिनस प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर मेनली आती है पल्सेस। तो लेग्युमिनस प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें नोड्यूल्स होते हैं। मतलब लेग्युमिनस प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें नोड्यूल्स बोला जाता है। और इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जिसे बोला जाता है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है जैसे एक ये ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, अगर ये साथ रहते हैं तो दोनों को साथ रहने में फायदा है। मतलब अगर ये इसके साथ रहता है तो इसे फायदा है, और अगर ये इसके साथ रहता है तो इसे फायदा है। मतलब अगर ये दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं तो इन दोनों को फायदा है। तो ऐसे एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो होता क्या है, जो लेग्युमिनस प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है रूट्स के साथ। मतलब रूट से राइजोबियम को कुछ फायदा होगा और राइजोबियम को रूट से कुछ फायदा होगा। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए होता क्या है, जो बैक्टीरिया रहता है लेग्युमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में, वो क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट इस ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यूज करता है एज अ न्यूट्रिएंट। देखिए, राइजोबियम के अलावा कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं। मतलब ये किसी के साथ किसी भी एसोसिएशन में नहीं रहते हैं, ये अकेले रहते हैं। तो इनके एग्जांपल है एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइजा। देखिए, फंगी भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जब साथ रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं मकान मालिक और किरायेदार का, जो मकान मालिक होता है उसको पैसे मिलते हैं और जो किरायेदार होता है उसे रहने के लिए जगह मिलती है, तो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है। तो ऐसे एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। देखिए, यहां पे एक वर्ड आया है ग्लोमस। ग्लोमस का मतलब होता है ऐसी जीनस जिसमें ऐसे फंगी आते हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स के साथ। देखिए, माइकोराइजा में जो फंगल सिम्बायंट होता है वो सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और उस फॉस्फोरस को प्लांट को दे देता है। देखिए, इस माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से प्लांट्स को और भी फायदे होते हैं। जैसे वो रेजिस्टेंट हो जाता है रूट बॉन्ड पैथोजन के लिए। मतलब प्लांट्स की जो रूट होगी उसमें कोई भी पैथोजन एंटर नहीं कर पाएगा और रूट्स में कोई भी डिजीज नहीं हो पाएगी।
इसके अलावा जो प्लांट होता है वो टॉलरेट हो जाता है सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए। सैलिनिटी का मतलब है अगर सॉइल में नमक का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, और अगर ड्रॉट हो जाता है तो उससे भी प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा प्लांट का डेवलपमेंट और ओवरऑल जो प्लांट ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखिए, जैसे हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होता है। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में। वहां पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनके एग्जांपल है एनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए, अगर हम बात करें पैडी फील्ड की, पैडी होती है धान, तो धान की खेती में जो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, आज के टाइम पे हमारी कंट्री में कई सारे बायो फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और फार्मर्स इसका रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स। मतलब सॉइल ने अगर अपनी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को खो दिया तो उसको फिर से रिगेन करने के लिए फार्मर्स बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। इस वजह से फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करते हैं। ओके, बाय बाय।